नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। सबसे पहले आप ये सुनिए भाई, बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पर काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहां दिया, सारे बंद है, यही हाल यहाँ होगा। ये शब्द है भाकियो लीडर राकेश टिकैत के, जो किसान नेता का चोला पहनकर पूरे देश में घूमते हैं। धरना प्रदर्शन को लेकर लगातार चर्चाओं में रहने वाले भाकियो लीडर राकेश टिकैत का ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल करीब 3.5 वर्ष पहले गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर उपद्रव हुआ था, किसान आंदोलन उग्र हो गया था और आंदोलन की आड़ में अराजक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया था। अब उस घटना की याद दिलाते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि उस दिन अगर किसान ट्रैक्टर लेकर लाल किला के बजाय संसद चले गए होते तो उसी दिन भारत भी बांग्लादेश जैसा हो जाता। भाई, बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पर काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहां दिया, सारे बंद है, यही हाल यहाँ होगा। ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ने बहका दिया कि लाल किले पर चल जाओ, अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निबट जाता केस। बीते दिन जब मीडिया द्वारा टिकैत से ये पूछा गया कि आप कोलकाता में हुई डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना पर क्या कहना चाहते हैं, तो टिकैत ने अपने मन में भरा पूरा जहर उगल दिया। जवाब देते हुए टिकैत ने कहा कि रेप और हत्या हुई तो रेप और हत्या का केस उन पर दर्ज हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई, रेप और हत्या हुई उसके लिए कानून है देश में, लेकिन पूरे देश में पिछले 10 दिन से इस मुद्दे को उठाने से कोई मतलब नहीं है। रेप और हत्या हुई, रेप और हत्या का केस दर्ज उनके ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई, रेप और हत्या हुआ उसके लिए कानून है देश में। इतना ही नहीं, बांग्लादेश वाले मामले को लेकर भी टिकैत चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के दिन अगर हम लाल किले की जगह संसद चले गए होते तो सारा खेल उसी दिन निपट जाता, यानी बांग्लादेश में जो हुआ भारत में भी वही हो जाता। टिकैत ने कहा कि हमसे चूक हुई है, लेकिन आगे ऐसा जरूर होगा। उनका यह बयान दर्शाता है कि टिकैत और उनके समर्थकों के मन में भारत के खिलाफ कितना जहर भरा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारत सरकार टिकैत के इस विवादित बयान को लेकर कुछ कड़े कदम उठाती है या नहीं।